राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में लगभग 460 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भोपाल हिंदी भवन में मतदाता सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी से जुड़ने के लिए युवाओं से अपील की और कहा, भाजपा अब गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। भाजपा का हर नेता और कार्यकर्ता 24 घंटे गांव में व्यतीत करेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में लगभग 460 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भोपाल के हिंदी भवन में मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि वह अपने आइडियाज़ और इनोवेशन के साथ बीजेपी से जुड़ें। वह अपने आइडियाज़ को नमो ऐप पर अपलोड करें ताकि उन आइडियाज़ को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जोड़ सके। वीडी शर्मा ने कहा, भाजपा अब गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। नए भारत के निर्माण में, नए भारत के नवोत्कर्ष में देश के इन नौजवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नए आइडियाज, नए इनोवेशंस, नई सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को आह्वान किया है कि आप आइए। भारतीय जनता पार्टी के आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा में हमारे संकल्प पत्र के लिए भी नौजवान अपने आइडियाज, उनके सुझाव, उन पर हम बैठ करके युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे और उनमें से आए हुए सुझावों को खास तौर पर युवाओं के बारे में भी, देश के बारे में भी हम क्या भूमिका निभाएं, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मैं भी मध्य प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से नमो ऐप पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ऐप पर आप आकर के भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दें। और हमारा सौभाग्य है कि आज 1 करोड़ के लगभग नए मतदाता जो 18 साल से 23 साल की उम्र के हैं, उनसे सीधा संवाद माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। यही नए भारत का निर्माण है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर किया है। आज उन नौजवानों के बीच में भी माननीय प्रधानमंत्री जुड़े हैं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।